कई दिनों से हो रही भारी बारिश से परेशान सितारगंज के एक किसान मक्खन सिंह ने बताया कि उनकी फसल बरसात के पानी की वजह से खराब हो गई। इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उनके खेत में इतना जल भराव हो गया है कि आलू की फसल पूरी तरह से बेकार हो गई है। इससे संबंधित उन्होंने कई उच्च अधिकारियों से भी मदद की मांग की, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी खराब हुई फसल का मुआवजा सरकार उन्हें दे, जिससे कि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। एक अन्य किसान जसवंत सिंह ने बताया कि उनके कई एकड़ जमीन में आलू की फसल लगी हुई थी, मगर बारिश के पानी आने की वजह से सारे आलू खराब हो गए हैं और उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। मुख्यमंत्री पोर्टल में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे क्षेत्र की खमरिया ग्राम सभा की जो जमीन देसी बुढ़िया में पड़ती है, प्रतापपुर तहसील खटीमा में, तो इस जगह पे कई किसानों ने अपनी आलू की फसल लगाई थी, वो बरसात की वजह से और नदी का पानी ज़्यादा आने की वजह से 5-6 फुट पानी 3 दिन खड़ा रहा, उसकी वजह से पूरी फसल हमारी बर्बाद होगी। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ किसी के हाल तक पूछने नहीं आया। हम लोगों में ये निराशा है। ठीक है सर, ये कम से कम 7-8 किसान हैं, लगभग 15-20 एकड़ किसानी जो है ख़त्म होगी। और एक एकड़ का मैं बता दूं सर, इसको पहले दिन आलू बुआई जिस दिन हम करते हैं उस दिन 25-30 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा आता है, बीज लगा लो, खाद लगा लो, जुताई वगैरह, मेहनत जो भी है हमारी। और इसके बाद कम से कम 10-15 हज़ार रुपये और 40-50 हज़ार रुपये में ये फसल तैयार होती है, जो कि हम अपना पूरा सिस्टम इसी पर लगा देते हैं कि आने वाले समय में 2 पैसे मिलेंगे। अब वो हमारी फसल बर्बाद होगी, हम लोग बहुत परेशान हैं और सर कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। ये ऐसा पहले कुछ समय पहले ऐसा एक बार हुआ था कि जैसे बारिश की वजह से नानक सागर जो बांध है उधर पहाड़ों में अधिक बारिश होने की वजह से वहाँ पानी एकत्र होता है, जिससे कि वो नानक सागर बांध से जो पानी छोड़ते हैं एकदम ज़्यादा पानी छोड़ने से ये हमारे खेतों की तरफ पानी का रुख बदलता है, जिससे कि हमारे फसल को काफ़ी नुकसान दे जाता है। कितनी ज़मीन होगी आपकी? ये लगभग हमारी ज़मीन जो है हमारे परिवार की लगभग 20-25 एकड़ ज़मीन है, जिससे हमें ये नदी का बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिससे बाढ़ आने से हमारे काफ़ी फसल का नुकसान हो जाता है। इस समय मौके पर हमने आलू की फसल बोई है, जिससे कि हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, जिससे हमारा पर्सनली 10-15 एकड़ जो आलू है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है ये बाढ़ की वजह से। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह नाम है।